अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग और इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग, कैसे आपकी बैंकिंग आपकी मतलब आपका डेवलप हुई है इन इंडिया एंड एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आप बात करेंगे, सबसे पहले वर्ल्ड का जो फर्स्ट बैंक बना सेंट्रल बैंक था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड। कौन सा था आपका? बैंक ऑफ इंग्लैंड। फर्स्ट सेंट्रल बैंक था बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, 1694 में आपका बना। इंडिया की हम बात करें, इंडिया में ना सबसे पहला बैंक बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, फर्स्ट बैंक था इंडिया में 1700 में आपका बन गया था, 1770 में आपका ये बन गया। ठीक है, उसके बाद बना आपका अवध कमर्शियल बैंक। सेकेंड बैंक आपका कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, 1881 में आपका बना अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन इसमें जो शेयर होल्डिंग थी ना ये यूके के लोगों की थी, इंडियन के साथ में यूके के लोगों की भी थी। ठीक है, उसके बाद आपका आया लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हो कि जो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जितनी शेयर होल्डिंग होती है उतने की उनकी लाइबिलिटी है। इंडिया अगर आप बात करेंगे फर्स्ट नेशनल बैंक की तो वो आपका था पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन बैंक की बात करें जिसमें इंडियन शेयर होल्डिंग्स ज़्यादा थी आपकी, और वो बना आपका 1894 में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक आपका इंडिया में आपका बन गया। अभी तक देखो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आया बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, फिर आपका अवध कमर्शियल बैंक वो कब आया आपका 81 में, उसके बाद आपका क्या आया पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट कमर्शियल बैंक। अगर आए तो आप लिखेंगे फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा था, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका 1894 में आपके पास आया। ठीक है, अब इन तीन बैंक देखो, प्रेसिडेंसी होती थी, आपने सुना होगा कि वो नवाब, बंगाल का नवाब, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना तो आपने पढ़ा होगा बंगाल का नवाब, इसका दूसरा पाटन का नवाब, पटना का नवाब सुना होगा आपने, राजस्थान में हैं मध्य प्रदेश को वो बोलते थे कुछ, मतलब उसके नवाब होते थे पहले, तो प्रेसिडेंसी बोलते थे, एक संघ होता प्रेसिडेंसी, मतलब एक एरिया का प्रमुख हो गया पूरा कि ये पूरा बंगाल और इसका ये है अध्यक्ष। तो जैसे कि आप हमारे पास हमारे क्या था इंडिया में जैसे अंग्रेज आ गए थे, आपको पता होगा कौन सी कंपनी आई थी पहली, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, इससे पहले कौन आया था अपने यहाँ, पुर्तगाली, ऐसे आए थे ना। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन गए, वही गए थे गोवा, गोवा जो था उसको 1961 में छोड़ के गए थे वो। ओके, अब बात क्या आई कि जैसे ये अपने अलग अलग वो बना रहे कि ये मैसूर हो गया, ये हो गया, मद्रास हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अलग अलग प्रेसिडेंसी का एक बैंक बना दिया। तो तीन बैंक बने, कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, अब जैसे कलकत्ता, कलकत्ता भी कह लो बंगाल, बंगाल का, तो अब बैंक ऑफ बंगाल कहा गया, मतलब 1806 और 1809 की बात है, 1806 में ये आपका कलकत्ता था, फिर इसको बंगाल बोल दिया गया, ऐसे था इसका। 1840 में आपका बना, ये 40 है, बैंक ऑफ बॉम्बे, और आपका 1843 में आपका आया बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, क्या है आपका, बैंक ऑफ मद्रास। तीन बैंक बने, कौन कौन से आपके पास है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को मिलाकर, तीनों बैंकों को मिलाया और क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक का बना आपका 1921 में, और ये किसने रिकमेंड किया था, जो आप जेम्स केन्स का नाम पढ़ते हो ना, उसने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था। ठीक है, अब समझे आप, समझ में आया अभी तक आपने, क्या हुआ कि तीन बैंकों को मिलाकर जितने प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उनको मिलाकर एक बैंक बना दिया जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखना जो जेम्स केन्स का नाम आप सुनते हो उसकी रिकमेंडेशन पे आपका बना था। ठीक है, 1955 में क्या हुआ, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बन गया आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, July 1, 1955 बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जब ये बना तब इसकी जो शेयर होल्डिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, 92% और 8%, 92% चली गई किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, 8% 92% सेंट्रल बैंक के पास, 8% गवर्नमेंट के पास, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड कर दिया गया। अब इस करंट की जो शेयर होल्डिंग है ना वो कुछ इस तरीके से है, ये रहा देखो, 92% SBI इन RBI, ठीक है, RBI की थी, और 8% शेयर होल्डर ऑफ इंपीरियल बैंक, इस तरीके से थी,
एट प्रेजेंट जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो है 61% के अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आपकी रिमेनिंग जो अदर शेयर होल्डर्स है उनकी है। इंपीरियल के नहीं, अब तो कोई भी है, मतलब आप भी शेयर लगा सकते हो क्योंकि पब्लिक लिस्टेड ये आपका है। तो अब आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट बैंक है वो SBI कहा जाता है। तो SBI इसलिए है क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो जो 50% से ज़्यादा है वो गवर्नमेंट की है, इसलिए क्या हो गया ये गवर्नमेंट बैंक। समझ में आई बात? बाकी आपकी जैसे नेशनलाइज बैंक है उनमें जो शेयर होल्डिंग है वो आपकी जो जनरल पब्लिक है आपके उनके पैसा लगा हुआ है ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ओके। अब देखिए जो ये बना 1 जुलाई 1955 में, इसका नेशनलाइजेशन हो गया था और हेडक्वार्टर मुंबई में है। रजनीश कुमार चेयरमैन चेंज अभी भी है, लेकिन चेंज होते रहते हैं, इस समय कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल जब ये बना तब इसकी थी 200 करोड़ रुपए, जिसमें 2 करोड़ शेयर्स और 100 का 1, तो इस तरीके से इसका बना 200 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल। हमारे पास टाइम है, हम आराम से पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अदरवाइज ये क्वेश्चन आते नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, ऐसा कभी आया नहीं है। ओके, ठीक है। इसकी जैसे ऑथराइज कैपिटल अभी जैसे इसकी बना दी 5000 करोड़ रुपए, एट परसेंट बना तब की अलग थी, अब है 5000 करोड़ रुपए और 61.28% टोटल शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने अपनी सब्सिडरीज बनाई। आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सुना है ना, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इस तरीके से इसकी 7 सब्सिडरीज ओपन की गई थी 1959 में। 2 सब्सिडरीज को 2007 में बंद कर दिया गया, ठीक है। जो 5 सब्सिडरीज बनी थी, अगर आपने सुना होगा कि SBI में मर्ज हुआ था, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, SBBJ मतलब बैंक बीकानेर एंड जयपुर, इनको क्या किया, और एक भारतीय महिला बैंक था 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें आपकी सारी वीमेन काम करेगी, उन बैंकों को SBI में मर्ज कर दिया गया। और डेट क्या थी उसकी, वो थी आपकी 1 अप्रैल 2017। क्या बना, ऑल सब्सिडरीज मर्ज इन SBI, BMB मतलब भारतीय महिला बैंक, इसको भी मर्ज कर दिया गया SBI में, ठीक है। आगे समझ में, तो अब इसकी कोई भी सब्सिडरी मतलब इन बैंकों जो इसने ओपन की थी वो अभी है नहीं कोई भी, ठीक है। अभी ये है, देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए, थोड़ा सो जो आपका मर्जर हुआ है वो इस तरीके से हुआ, ये SBI है और इसमें मर्ज हुए हैं कौन, ये आपकी जो सब्सिडरीज है ना वो सारी की सारी मर्ज हुई है, 5 सब्सिडरीज और एक आपका भारतीय महिला बैंक। अब बस आपको एक सिंपल से एक बात बतानी है, शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और किसके कम होंगे, ये बताइए, SBI के बढ़ेंगे या इसके बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और इनके एक के कम होंगे कि ज्यादा बढ़ेंगे, बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सब्सिडी देखो, इनके शेयर होल्डर को क्या मिल रहेगा, एक शेयर मिल रहा है इनके SBI बड़े में रेपुटेड इसमें, ठीक है, और इनका यहाँ से कम हो रहा है, तो इसके शेयर प्राइसेस 2% बढ़ गए थे उसी दिन और इनके थोड़े कम हो गए थे, थोड़ा सा फर्क पड़ा था, तो ये इम्पैक्ट पड़ा था उस दिन, तो ये होना भी चाहिए था। और आप लोगों ने सही लगाया, माइंड आपने यूज किया कि इसके कम होके इस पे बढ़ जाएंगे और ये इसमें मर्ज हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये सब्सिडीज थी, अब अभी जो इस वक्त जो सब्सिडी है ये आपकी ये है SBI लाइफ इंश्योरेंस, सुना है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में ही आपका, SBI कार्ड्स एंड सर्विसेज ये भी है, लोग काम करते होंगे, SBI जनरल इंश्योरेंस 70%, जियो पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा आपने, इसमें भी पैसा लगाया, और यस बैंक का ये अभी का केस बना है, 49% के शेयर होल्डिंग है इसकी। तो ये आपकी क्या है, इसकी सब्सिडीज है इस वक्त। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपको बताओ ये प्राइवेट है या ये आपकी पब्लिक है या गवर्नमेंट है, क्या है ये? SBI कार्ड्स लिमिटेड, SBI आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या है, प्राइवेट है या नहीं, प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं ये लोग। एक और भी इसमें प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड का भी अभी मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, आपने कहा ना ये कि लिमिटेड हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी प्राइवेट है, गवर्नमेंट इसका SBI, ठीक है, SBI की ओनर कौन है वो देखो आप, SBI किसकी ओनर है, उसके अंडर काम कर रही है वो, इसकी क्या है, प्राइवेट काम करती है, ठीक है, प्राइवेट है ये आपकी सारी की सारी। एक बात याद रखना कि गवर्नमेंट कई कोई जैसे एजेंसी है गवर्नमेंट, उसकी होल्डिंग बेस रखती है, उसने अपना कुछ नया वो कर दिया तो वो प्राइवेट ही कहलाएगा, अगर उसने प्राइवेट की कंडीशन फुलफिल की है, तो ये सब क्या आपकी प्राइवेट है, ठीक है, आई बात समझ में। ओके,
उसके बाद आया कि कौन कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को, तो बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करता है कौन कौन सा, आईटी एक्ट 2000, आरबीआई, आरबीआई जो आपका है आरबीआई एक्ट आपका 1934, एक तो ये हो गया आपका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949, और आईटी एक्ट 2000, और आपका ये ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस 2000, ये आपको इसको कंट्रोल करता है जो बैंकिंग पूरे सिस्टम को आपको कंट्रोल कर रहा होता है। बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, आईटी एक्ट 2000, और आपका ईडीआई, ठीक है, ये सब आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, आईटी, आपके इसमें भी पढ़ोगे आप लीगल एस्पेक्ट में, पूरा का पूरा है ये आपका, ठीक है। तो अभी आपने किसकी हिस्ट्री पढ़ी, आपने अभी हिस्ट्री पढ़ी है एसबीआई की, तो इस एसबीआई की आपने क्या पढ़ा, तीन इंपीरियल बैंक बने, बैंक ऑफ बंगाल, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीनों को मर्ज करके क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, उसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, वो बना गया आपका एसबीआई। एसबीआई ने 1959 में अपनी सब्सिडरीज खोली, लेकिन वो 2017 तक सारी की सारी बंद हो गई, अब एक है आपका एसबीआई। तो आपसे अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट बैंक कितने, तो आप कहेंगे एक, वो कौन सा आपका, एसबीआई, ठीक है। अब आगे देखिए, आप आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, आरबीआई कैसे बना, आरबीआई जो था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो एक्ट है वो आपका 1934, और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, किसने रिकमेंड किया था, रिकमेंड किया हिल्टन यंग कमीशन ने। फॉर्मेशन डेट है इसकी 1 अप्रैल 1935। इसका नेशनलाइजेशन, आरबीआई की भी शेयर होल्डिंग ना जैसे छोटे छोटे लोगों में थी, थोड़ी 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 सब में, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि इसका जो शेयर होल्डिंग आम पब्लिक से खींचकर गवर्नमेंट खुद के हाथ में ले ले, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक होते हैं। तो जहाँ भी जो जो सेंट्रल बैंक होगा वो आपका मतलब क्या होता है, फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो पूरा फंक्शन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। अब इस डेट में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलत करके आते हैं, आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्या फॉर्मेशन डेट है अप्रैल 1935, लेकिन नेशनलाइजेशन डेट है 1 जनवरी 1949। इसमें ना बच्चे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे के पूरे कि भाई कौन सी जनवरी में बना था या अप्रैल में, तो आप ध्यान रखेंगे जनवरी में नेशनलाइजेशन था और 1 अप्रैल को फॉर्मेशन डेट थी, 35 और 49, ठीक है। उसके बाद हुआ इसका, देखो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी तभी आ गया था इसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब ये अब आप जो कंट्रोल कंट्रोलिंग बॉडी है वो तो आरबीआई है। आरबीआई किसके थ्रू कंट्रोल करता है, किसके रूल के थ्रू, तो आप कहेंगे आरबीआई एक्ट 4, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आईटी और ईडीआई, इनके थ्रू ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब ये तो था आपका आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में, अब आरबीआई चल रहा है, अभी तक हम आरबीआई तक पहुंच गए, अब देखो हम आ गए हैं जो बैंक, आप आरबीआई ही सेंट्रल बैंक अपना एकमात्र होता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक एक ही होता है, तो अपना कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का है सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे अपने ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, वो अपना एक नेशनलाइज बैंक है। ऐसे ही ना एक बार क्वेश्चन आया कि इनमें से ओड को फाइंड आउट कीजिए, तो वहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन आया था जैसे सेंट्रल या सिमिलरिटी ऐसा कुछ आया था, उसमें लिखा था आरबीआई, बैंकिंग का क्वेश्चन था ये कि आरबीआई लिखा था, एक लिखा था सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इस तरीके से ऑप्शन थे। अब जिसको ये बात बताते ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनका सेंट्रल बैंक है, वो लाइक आरबीआई की तरह है, तो वो उसने तो आंसर ठीक कर दिया, अदरवाइज वो गलत हो गया, तो बहुत कम को पता होता है। अपने जैसे कौन सा है, हमें कुछ कुछ कंट्री का पता होना चाहिए, सबका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जैसे आरबीआई का पता है हमें कि हमारा आरबीआई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है जैसे, हमें फेडरल रिजर्व, जैसे अपना आरबीआई है ना, ऐसे यूएसए का जो बैंक है वो फेडरल रिजर्व है उसका नाम, ठीक है, तो ऐसे आपका है। अब देखो बैंकों की हिस्ट्री देखो, आप बैंक जो आपके सामने देख रहे हो कौन कौन से, पंजाब नेशनल बैंक आपके पास, कैनरा बैंक है, आप देखते हो इंडियन बैंक देख रहे हो, तो ये सब बैंकों की क्या हिस्ट्री है और आज तक की क्या कैसे क्या पोजिशन, आप देखते चले जाओ, मजे आएंगे आपको सुनने में भी। देखो हो क्या रहा था, जितने भी बैंकिंग सिस्टम थे ना, बैंक्स जितने भी थे, सारे के सारे लोन्स किसको दे रहे थे, कॉरपोरेट सेक्टर को, ठीक है, सारा का सारा पैसा जा रहा था कॉरपोरेट सेक्टर को, आप आम आदमी तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा था, आज भी नहीं पहुंच रहा,
कितने पैकेज इश्यू करती है गवर्नमेंट, कितने पहुंचते हैं आप तक? नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं गया या पढ़ाया नहीं गया कि ऐसे ऐसे सिस्टम है। ठीक है, तो उस वक्त क्या थी, आयरन लेडी किसको बोलते हैं इंडिया में? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई है। अभी जो इंदिरा गांधी का फेस पढ़ते चले जाओ, किस क्यों बोला जाता है, उसके जो डिसीजंस थे ना वो बड़े पावरफुल डिसीजंस थे, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। अब देखते जाओ कि क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं जा रहा है, ठीक है, ना ही आम आदमी तक पैसा पहुंच रहा है, सिर्फ इंडस्ट्री को कुछ पैसा पहुंच रहा है, वो भी इस तरीके से पूरा, क्योंकि सब कॉरपोरेट कंपनी सेक्टर हुआ जितने भी है, सारा कॉरपोरेट सेक्टर ही है और क्या है। हाँ, तो इनको पैसा जा रहा और कहीं जा नहीं रहा। अभी प्रॉब्लम होगी देश के लिए, देश में डेवलपमेंट नहीं, खाने की प्रॉब्लम आ गई थी, आपको शायद पता होगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकों का नेशनलाइज कर दिया, कंडीशन लगाई गई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कंडीशन क्या लगाई गई, ऐसे बैंक जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेशनलाइज का मतलब होता है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, उनको अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और उनकी शेयर होल्डिंग अब पब्लिक के पास चली जाएगी, अब आम इस कुछ आदमियों के पास नहीं रहेगी, ठीक है, समझ गया आ गई बात। अब क्या हुआ कि कंडीशन क्या रखी गई नेशनलाइजेशन के लिए, नेशनलाइजेशन के लिए कंडीशन रखी, ऐसे बैंक जिनकी पेड अप कैपिटल हो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, उन बैंकों का किया जाएगा नेशनलाइजेशन। तो ऐसे बैंक थे 14, तो 14 बैंकों का क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। दूसरी बात आई, ये तो 1969 में, याद रखना ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969, 14 बैंक जिनकी कैपिटल कितनी थी, मोर देन 50 करोड़ या उससे, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। अगले 6 अप्रैल 1980 जिनकी पेड अप कैपिटल थी 200 करोड़ या उससे ज्यादा, उन 6 बैंकों का कर दिया गया नेशनलाइजेशन, ठीक है, 6 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया। तो कितने बैंक हो गए नेशनलाइज, 20 हो गए ना। और उसके बाद क्या हुआ, 1993 में एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी में, कितने हो गए, 19, एक मर्ज हो गया, एक कम हो गया ना, एक क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो 19 बैंक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलाकर आपने बना दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी मर्ज हो गई फिर से, कितने बैंक बचे, 17, समझते रहे ना इक्वेशन, मजे आएंगे आपको, कितने बैंक हो गए, 17, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा फिर से ना मर्ज हो गए, मर्ज क्या हुआ, ये वाली 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बना दिए, 10 बैंकों को मिलाकर, वो कौन से थे आपके पास, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसको बना दिया गया पीएनबी में, मतलब ओरिएंटल बैंक ओबीसी प्लस में यूबीआई प्लस में पीएनबी इज इक्वल टू पीएनबी, ठीक है। उसके बाद है सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया कैनरा बैंक में, ठीक है, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक को बना दिया गया इंडियन बैंक में, ठीक है, याद रखनी है इसको, किसमें मर्ज किया है, क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला देखो, और ओबीसी आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, तो आप लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुई, ठीक है। उसके बाद सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक को यूनियन बैंक में, एंड इलाहाबाद बैंक को बना गया, तो ये 10 से मिलाकर कितने हो गए, 4, कितने हो गए, आ जाओ आप यहाँ पे देखो, पहले हुए, देखो क्या कंडीशन थी, पहले आया 1969, 19 जुलाई 1969, क्या था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन, और कंडीशन क्या थी, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। उसके बाद आया 1980, 6 अप्रैल 1980, 6 बैंकों का और कर दिया, कंडीशन थी 200 करोड़, ठीक है। उसके बाद 1993 में क्या हुआ, एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी में, यानी -1 हो गया आपके पास, आ गए 19। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017 क्या था आपके पास, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ, तीनों को मिलाकर, यानी कि यहां पर आपके -3 + 1 कितने बन गए, 17। इसी तरीके से थे। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो 1 अप्रैल 2020 को
एक चीज और हुई, क्या 10 बैंकों से करके कितने बना दिए गए, तो कितने बन गए 11। तो आज बैंकों की संख्या कितनी है, नेशनलाइज बैंक कितने हो गए। अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक सेक्टर बैंक कितने, तो आप कितने कहेंगे 12। कितने, क्योंकि एक SBI भी तो है ना, वो गवर्नमेंट बैंक है आपका। देखो क्या लिखा आपने, 11 तो आपके हो गए नेशनलाइज बैंक, एक आपका SBI, 12 आपके हो गए आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक। अब एक स्टेटमेंट आती है, अब देखना क्या स्टेटमेंट आएगी आपके सामने, आपने बताना दोनों में से एक स्टेटमेंट मैं रॉन्ग बोलूंगा एक ठीक बोलूंगा। ऑल नेशनलाइज्ड बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? क्योंकि एक आपका SBI भी है ना, तो ये आप लिखेंगे ऑल नेशनल बैंक नेशनलाइज्ड बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लेकिन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट नेशनलाइज्ड बैंक, ये स्टेटमेंट ठीक हो गई है, क्योंकि एक आपका SBI भी है ना, जो कि आपका कौन सा है गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल आपको हिस्ट्री समझ में आई आपको, ठीक है। और देखते हैं किसका क्या है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है 14 थे 6 बने 1 गया 3 गया 10 के 4 11 बैंक, एक आपका हो गया, तो ये वो आपके पास नेशनलाइज प्लस SBI। तो ये स्टेटमेंट देखो, ऑल नेशनलाइज बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल पब्लिक सेक्टर आर नॉट नेशनलाइज बैंक, ठीक है। तो ये कुछ 12 आज के टाइम में जो 12 बैंक है ना, इस तरीके से है, फर्स्ट SBI, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक, UBI, इंडियन बैंक, ये जो आपके इंडिपेंडेंट बैंक है ये तो मर्ज बैंक हो गए, ये इंडिपेंडेंट, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपके ये क्या बने, ये आपके बने 12 बैंक, ठीक है। लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे पहले SBI आपका, फिर PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बात करें, ये तो हुआ पब्लिक सेक्टर के केसेस में, अगर हम बात करें प्राइवेट के केस में, तो प्राइवेट में नंबर वन होता है HDFC, दूसरे पे आपका ICICI, तीसरे पे आपका एक्सिस, ठीक है, फोर्थ पे आपका IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, ठीक है। अब इसकी ओवरऑल बात करें तो पहले पे HDFC, दूसरे पे SBI। तो आप इस तरीके से आप याद रखेंगे, फर्स्ट पता हो आपको, दूसरा पता हो, ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होती नहीं, ठीक है। हाँ, ओवरऑल भी आपका HDFC टॉप पे आता है, और सिर्फ आपका जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तब SBI टॉप पे आएगा, ठीक है। पहले था SBI टॉप पे था, लेकिन अभी वो HDFC बहुत आगे चला गया। आप जब टॉप 50 वो देखोगे ना इंडेक्स, उसमें HDFC की बहुत सारी कंपनीज मिलेगी आप, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। और हिस्ट्री देख लेते हैं, आज हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। RRBs का नाम सुना है, जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक आपने सुना है, तो ये कैसे बना, ये कितने बैंक थे, अब बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो इसकी हिस्ट्री देखो। नरसिम्हम कमेटी, डिप्टी गवर्नर होता था नरसिम्हम, नरसिम्हम आपको तीन जगह मिलेगा, पहली जगह ये मिल गया, दो आगे मिलेगा, दो कमेटी बनी थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो उसमें भी आपको नरसिम्हम कमेटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपका है RRB, मतलब रीजनल रूरल बैंक। देखो अब वो क्या रहा था, जो आपके नेशनल बैंक थे ना, वो अभी मतलब बैंक काम फंक्शन अपने स्टार्ट कर दिए थे उसने, जैसे नेशनलाइजेशन के बाद, बट क्या था कि अभी भी ना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर बिल्कुल कटा हुआ था। पहले क्या था, कॉरपोरेट सेक्टर से आम पब्लिक तक पैसा, जो कि शहरों तक ही थोड़ा बहुत पहुंच पाया है ना। आप ये देखिए, जो आफ्टर 2014 जब आपकी जनधन योजना आई आपके पास, तब सबके अकाउंट ओपन हुए हैं, इससे पहले नहीं थे, कितनों लोगों के पास अकाउंट नहीं थे। आपके घर में भी देखिए, अब आपके ऑलमोस्ट सबके घर सबके अकाउंट होंगे, बट बिफोर 2014, हाँ, पहले मिनिमम बैलेंस रखने था 1000 रुपये, फिर ना रखो तो चाहे वो लगे, तो फिर कोई नहीं, ऐसा अपने इतना पहले इनकम कम है लोगों की, खर्चे नहीं चलते, तो इसलिए क्या रखा कि मतलब जनधन योजना के बाद आपका, और ये आपको पता होगा गिनीज बुक ऑफ उसमें भी रिकॉर्ड्स और बुक में आपका नाम है इसका, ठीक है। तो अभी देखो आया RRB का मेन पर्पज था, क्योंकि अपना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, 1983 तक गवर्नमेंट इसी की रहनी है, 69 से स्टार्ट हो गए,
बीच में एक बार आई थी आपकी जनता गवर्नमेंट, पूरा वो भी बताएंगे आपको कैसे क्या हुआ, 5-year plan थोड़ी सी देर में मैं आपको आज बताऊंगा। तो क्या हुआ कि अब आपका ना गवर्नमेंट चाहते थे कि आपका रूरल एरिया डेवलप हो, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, क्योंकि अपनी ना एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी आज भी है, पहले भी थी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ तब एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, ऑलमोस्ट आपका 57% से ज़्यादा। आज की टाइम है सबसे नीचे चला गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जबकि डिपेंडेंट आपकी और बढ़ गई है उस पर लोगों की। तो ये मतलब इन्वर्स हो गया आपका, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ऐसे सिस्टम में हो गया कि हमारा कहते हैं कि सारा सेक्टर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम रही। अब बात क्या आई आपकी, आरआरबी आ गए, कौन सी, नरसिम्हम कमेटी, 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 5 RRB ओपन किए गए। तो कौन ओपन किए, वो आपके काम के नहीं, बाकी पता हो तो ठीक है, हमें ठीक है। जब बनाए गए तो इस तरीके से बने, आपके जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो कंट्रीब्यूशन करेगी 50%। स्पॉन्सर बैंक, एक बैंक स्पॉन्सर करेगा, वो देगा 35% और स्टेट गवर्नमेंट देगी 15%। आपके पास सर्व हरियाणा गवर्नमेंट बैंक है और ये एक आपका आरआरबी है, इसका स्पॉन्सर बैंक बताओ कौन सा है। तो उसको स्पॉन्सर करेगा, उसकी उसको ट्रेनिंग देगा, उसको डेवलप कराएगा, उसकी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करेगा, आप बताओ इसका क्या है। PNB, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस कैपिटल का, 35%, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% जो कि नाबार्ड के थ्रू आती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना देती है 15%। ये कहा गया जब ओपन किए तक, लेकिन इसके बाद कहा कि बाद में अगर कोई बैंक ओपन होगा तो 60-20-20 का ऐसा रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक केलकर कमेटी बनी 1987 में, और उसने कहा गया कि कोई आरआरबी ओपन नहीं करने, बंद कर दिया, मतलब 1987 के बाद कोई नया आरआरबी नहीं आया, ठीक है। और जो थे ना उसको भी मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपने देखा होगा गुड़गांव ग्रामीण बैंक, रोहतक ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से पहले, तो सबको मर्ज करके एक बैंक बनाया है ना, देखा है ना आपने, गुड़गांव ग्रामीण बैंक का नाम सुना था, आपकी साइड कोई और होगा, जैसे आप हो इशार ग्रामीण बैंक होगा या कुछ और होगा, इस तरीके का मिलेगा, और उन सबको मर्ज करके एक बना दिया पूरे हरियाणा का, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, ठीक है। वो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनके भी अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं, अभी आप सीख रहे हो, अब सीखते जाओ कि आप सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या आपका आरआरबी का केस चल रहा है, तो आरआरबी आप समझ गए बना क्यों है, कैसे बने, ये भी क्लियर हो गया। एट परसेंट आपको पता कितने हैं, 43 है, ठीक है, ओके। ये तो इसकी आरआरबी की हिस्ट्री। अब आपकी आई और बैंकों की, जैसे आपने आईएफसी का नाम सुना होगा, आईडीबीआई का, 43, ठीक है, बने तब 5 बनाए थे जब 2 अक्टूबर 1975 को, फिर बनते वैसे थे बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर इनको मर्ज करना शुरू किया। पूरा आरआरबी का जब चैप्टर आएगा ना, जब बताऊंगा मैं पूरा कि कैसे कमेटीज बनती गई और ये मर्ज होते चले गए, ठीक है, आपस में मर्ज होते होते ये कम हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको पूरा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे, अभी अब आज हिस्ट्री का ही चैप्टर आपका। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो कैसे इंडस्ट्री के लिए बैंक, अब आई इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना आपका IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में। आप ये बताइए इंडिया आज़ाद कब हुआ, 40, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमने अपना बैंक बना लिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, सॉरी इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFCI, ये बना। उसके बाद ICICI बैंक है ना जो अभी आप देख रहे हो, ये पहले कॉरपोरेशन था, और कॉरपोरेशन इंडिया में जो आपकी UK गवर्नमेंट थी, आपका जो USA है, और आपका जो क्या बोलते हैं, ठीक है, 1955 में आपका बना ICICI, ये बैंक नहीं है अभी, ये कॉरपोरेशन के रूप में काम कर रहा है। इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए, फंडिंग अवेलेबल कराने के लिए आपका UK गवर्नमेंट, USA गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक है। कॉरपोरेशन का मतलब होता है किसी सहयोग से आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो फिर इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने मतलब इन सब की, वर्ल्ड बैंक, USA, इन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हो इसके लिए आपका ICICI बना 1955 में। अगर बैंक की बात करें ना, तो ICICI जो बैंक देख रहे हो ये आपका बना है
1995 में आपका ये बना है आईसीआईसीआई, ठीक है ओके। उसके बाद आपका 1964 में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर आपकी, यहाँ पर आपका आईडीबीआई भी बना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री के लिए था वो आपका ये था बैंक, ठीक है। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब जो आपका एक्सिस बैंक देखते हैं ना आज का एक्सिस बैंक, वो यूटीआई था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और 1987 तक अकेला ये पार्टिसिपेट करता था म्यूचुअल फंड में, ठीक है। फिर आपका एसबीआई और कैनरा बैंक आ गया 1987 में, उसके बाद फिर इसकी मोनोपोली खत्म हुई है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या हुआ 1964 में क्या हुआ है, आईडीबीआई बन गया, आईडीबीआई में ना जो शेयर होल्डिंग थी वो आरबीआई की भी थी और उसकी भी थी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी। उसके बाद 1976 में क्या किया, आईडीबीआई की शेयर होल्डिंग सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज कर ली आरबीआई से, तो अभी फुल्ली कंट्रोल आईडीबीआई हो गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ 1976 के बाद 2019 में, देखो शेयर होल्डिंग दो जगह बटी हुई थी आईडीबीआई की, आईडीबीआई जो थी आईडीबीआई कब बना है 1964, इसकी जो शेयर होल्डिंग थी ना दो जगह थी, आपकी आरबीआई के पास भी थी और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। 1976 में क्या किया, आरबीआई से शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में चली गई, ठीक है आगे समझ में। उसके बाद क्या हुआ आगे देखो इसमें और क्या होता है 76 के बाद, तारीख क्या लिखी सॉरी 2021 जनवरी 2019 है, हाँ ठीक है। इसको क्या हुआ आपका जो आईडीबीआई है ना, आईडीबीआई की 51% शेयर होल्डिंग किसको शिफ्ट हो गई, एलआईसी को, किसको शिफ्ट हो गई, और एलआईसी को जैसे शिफ्ट हुई ना तो आईडीबीआई बन गया प्राइवेट बैंक, क्या बन गया आगे समझ में, नाउ आईडीबीआई की आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसने अपनी शेयर कैपिटल 1993 में इशू की थी, आगे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। ये रहा 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने परचेज कर ली 51% शेयर होल्डिंग आईडीबीआई से, और आईडीबीआई क्या आपका अब प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ये एक और हिस्ट्री हो गई आपके पास। अब आपके पास आई सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल, अब देखो आईडीबीआई ना क्या कर रहा था, लार्जेस्ट इंडस्ट्री को तो लोन दे रहा था बड़ी को, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री को देने में सक्सेसफुल नहीं था, तो आपका आ गया सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब आया आपका ये, तो 2 अप्रैल 1990 में, लेकिन इसका एक्ट है ना वो 1989 है, मतलब इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था 1989 में, लेकिन ये कब बनना शुरू हो गया आपका, बन गया 2 अप्रैल 1990 में आपका ये बन गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये दे रहा था लार्जेस्ट मतलब स्मॉल इंडस्ट्री को तो दे रहा था, लेकिन जो मार्जिनल जो आपके एंटरप्रेनर्स है उनको ये नहीं प्रोवाइड कर रहा था, यानी छोटे छोटे लोगों को नहीं दे रहा था। इसके लिए जो अभी गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है, तो जो इसका लास्ट टर्म था उसमें आपको 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा बैंक बना दिया, क्या बना दिया मुद्रा, तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मतलब रीफाइनेंस का मतलब होता है जैसे आप ना मुद्रा के अंदर किसी के बैंक से लोन ले आओ, और मुद्रा जितना वो लोन देंगे ना उतना रीफाइनेंस कर देगा मुद्रा, किनको इनकम, ठीक है। और ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। मुद्रा तीन तरीके के लोन देता है। रीफाइनेंस का मतलब मैं कहता हूँ ज्योति को 100 रुपये दे दिए और 100 रुपये मैं आपको दे दूंगा, तो मैंने आपको क्या कर दिया, रीफाइनेंस कर दिया, ठीक है। पहले किसी को लोन दिला दिया और उतना ही पैसा मैंने आपको दे दिया, दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंस। अब नेक्स्ट आप बात देखिए, देखिए कहाँ पे थे आपा, ये तीन तरीके के लोन देता है मुद्रा, शिशु किशोर तरुण, नाम सुने होंगे आपने शिशु किशोर तरुण। शिशु का मतलब है 50,000 रुपये तक का लोन, 5 लाख रुपये तक के 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक के किशोर, और तरुण का मतलब होता है 10 लाख रुपये तक का, ठीक है। इतना समझ में आए। अब ये कैसे मिलेगा आपको, मान लो एक वो करना है छोटी सी रेहड़ी लगानी है, तो आप शिशु के अंदर 50,000 का लोन ले लोगे, शॉप ओपन करनी है तो आप क्या करोगे 5 लाख तक का लोन ले लो किशोर वाले। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है छोटी मोटी फैक्ट्री, कोई शूज़ की कंपनी लगानी लाइक दिस, तो आप क्या ले लो किशोर के अंदर, ठीक है तरुण के अंदर आप लोन ले लो 5 लाख, 50,000 से 5 लाख तक का, ठीक है शिशु किशोर और, ठीक है। जब इसको स्टार्ट किया गया इसको 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, पूरा बताऊंगा मैं आपको अभी तो इतना पढ़ लोग बताए।
ठीक है। और उसके बाद नाबार्ड, नाबार्ड बना 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। शिवरमन कमेटी थी, इतना समझ लो, शिवरमन कमेटी थी 12 जुलाई 1982 को। और एग्जिम बैंक बना 1982 को, ठीक है, ओके। अभी एक बार देखिए इसकी जो फेस है ना, इसको इस चार पार्ट में मैंने बांट दिया है, एक और फेस मैं ऐड कर रहा हूँ अभी इसको। फेस फर्स्ट था प्री नेशनलाइजेशन फेस, 1955 से पहले, 1955 के बाद आपका नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। और देखो ये लिखा फेस टू, इरा ऑफ नेशनलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन, 1990 तक नेशनलाइजेशन होता गया ना, और केलकर कमेटी आ गई थी तो कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फेस थ्री में क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आया 1990 से 2004 तक। यहाँ पर डिफरेंट कमेटीज आई, उन्होंने अलग अलग तरीके की अप्रोचेज दी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, यहाँ पर रिफॉर्म्स चले, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, आगे बात करेंगे पूरे उसके। और फोर्थ फेज में क्या लिखा, पीरियड ऑफ इंक्रीज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब आपने बैंकिंग को इजी बना दिया सभी के लिए, ठीक है। और अब 2017 के बाद का जो फेज बनेगा ना, वो क्या बनेगा, कंसोलिडेशन, बैंकों का क्या हुआ, मर्जर फेज चल रहा है अभी आपका, क्योंकि अभी ना आने वाले प्राइवेटाइजेशन और मर्जर, आप ये लिखेंगे पूरी बात, ठीक है। तो इतना समझिए आप, ये फेज था आपके पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपने अभी पढ़ा है, देखना आप सिर्फ 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने। फर्स्ट क्या, पहला बैंक बना बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो छोड़ दीजिए 1694 में, कोई काम नहीं, पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक 1881, पहला कमर्शियल बैंक आपका 1894 में। तीन आपके बैंक बने, बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे और आपका कलकत्ता, तीनों बैंकों को मिलाकर आपने क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक 1921। यहाँ से डेट स्टार्ट करो, याद करनी, किसने रिकमेंड किया था, जीएम केन्स ने, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में, जुलाई 1955 में बना दिया एसबीआई। एसबीआई की 7 सब्सिडी 1959 में ओपन की गई, लेकिन 2019 तक सब्सिडीज मर्ज कर दी गई। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक और इसकी सब्सिडी को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, तो एसबीआई हो गया। एसबीआई एक क्या है आपका, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आरबीआई, आरबीआई का एक्ट आपका 1934, लेकिन बना 1 अप्रैल 1935 में, हिल्टन यंग कमीशन था, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हो गया, खत्म करो इसको। बात आई बैंकों का, बैंकों की, तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 आपके 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसकी पेड अप कैपिटल थी 50 करोड़ उससे ज्यादा। 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का, जिसमें आपका 200 करोड़ उसकी पेड अप कैपिटल थी, ठीक है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी में 1993 में। उसके बाद 2017 में विजया बैंक, देना बैंक और बड़ौदा को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। एंड फिर आपके बैंक बच गए 17। उसके बाद आपका 2020 में 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए, और इस वक्त आपके 11 तो आपके हैं नेशनलाइज बैंक, 1 आपका एसबीआई, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो आपका एचडीएफसी नंबर 1 पोजिशन पे है, और पब्लिक सेक्टर में बात करें तो एसबीआई बात है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आफ्टर दैट आरआरबी, आरआरबी बने 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सी कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी थी आपकी। और क्या रेशो क्या होता है, 50, 35 और 15, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35 आपका स्पॉन्सर बैंक का, 15 आपका स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद केलकर कमेटी ने 1987 में इसको बंद कराना बंद कर दिया, आरआरबी था ये, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के, तो फर्स्ट जो बैंक था आईएफसीआई, कब बना, 1948 में। उसके बाद बना आईसीआईसीआई 1955 में। फिर आपका बना 1964 में दो, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आपका आईडीबीआई। आईडीबीआई की मैं बात करते हैं, 1976 में जितने भी शेयर होल्डिंग आरबीआई के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, ठीक है। एंड देन फिर क्या हुआ, उसके बाद इसका 21 जनवरी 2019 को इसकी जो 51% शेयर होल्डिंग थी, इसको LIC को ट्रांसफर कर दी, और IDBI के आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद देखो आपका जो IDBI था, लार्जेस्ट इंडस्ट्री को तो लोन दे रहा था, स्मॉल को नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपका आ गया SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके इसको लोन देना स्टार्ट किया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देना स्टार्ट किया। अब बना कब, 1990 में, ये स्मॉल इंडस्ट्री को दे रहा था लेकिन छोटे लोगों को नहीं दे रहा था, तो इसके लिए आपका आ गया मुद्रा, 8 अप्रैल 2015 को ये आपके पास आ गया है। ये आपकी रीफाइनेंस एजेंसी है,
ठीक है, आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा होगा सिडबी बैंक, नहीं देखा ना, ना आपने आईडीबीआई देखा, ऑफिस देखा होगा आईडीबीआई का, फिर भी आईडीबीआई तो फिर भी दिख जाते हैं लेकिन वो नहीं दिखते हैं। तो आपका क्या है, ये रिफाइनेंस करते हैं बेसिकली, ये तो ये दूसरे बैंकों के थ्रू लोन आपके पास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या था, आरबीआई हो गया, ये पढ़े आपने, और क्या था, हाँ उसके बाद नाबार्ड की बात कही, नाबार्ड बना आपका 1982 में, आपका कौन सी, शिवरमन कमेटी, ठीक है, 100 करोड़ की कैपिटल, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक्जिम बैंक बना आपका 1 जनवरी 1982, अगर 81 भी आ जाए तो आपका 81 भी ठीक है, 12 जुलाई 1982, ठीक है। और इसमें अगर बात करें फेसेस की, तो चार फेस, पांचवा फेस अभी आपका स्टार्ट हो गया है, फेस पर प्री आपका नेशनलाइजेशन, फिर नेशनलाइजेशन का आया, फिर आपका क्या आया, लिबरलाइजेशन का, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, और फिर आपका आया मतलब कि और ज़्यादा लिबरलाइजेशन, और अभी आपका आएगा मर्जर का फेस। तो ये था आपका बैंकिंग का, ठीक है।